Hey guys, welcome back to my channel. Hi channel. तो जी अभी किसी का कमेंट आया है, बड़ा ही फनी सा कमेंट है। हमने पढ़ा कि आपको आपके गांव की याद नहीं आ रही। वाह, क्या कमेंट किया है मस्त सा प्रिया ने। हाँ बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हम गांव के मुखिया हैं। मुखिया अगर चला गया तो गांव समाप्त थोड़ी हो जाता है, हैं? गांव के मुखिया है, इस गांव को बनाया तो हमने ही है। तो अब जाहिर सी बात है, याद तो आएगी ही। सबकी याद आई, बड़ी याद आई। और हम कल पूरा टाइम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि वीडियो नहीं बनाया है यार, हैं। और आपको तो पता है कि ये जो है यही हमारी रोज़ी रोटी है, हैं। और एक दिन का मतलब वीडियो ना बनाना मतलब 80 रुपये का नुकसान। तो ये तो मतलब मुश्किल है झेलना, हैं। लेकिन वही है कि ऐसा है कि जिया आई है तो उसने ज़िद की कि कहीं घूमने चलो, घुमाने ले चलो। तो हम अपनी मम्मी को लेके और उसको लेके जो है कल कनॉट प्लेस गए थे। आपको पता हो अगर दिल्ली का कनॉट प्लेस बहुत फेमस है, तो वहीं चले गए थे। उसने बोला कि बंगला साहब गुरुद्वारा जाना है। हमने कहा नेकी और पूछ, ये तो बहुत अच्छा बोला, चलो चलते हैं। तो वहाँ गए, फिर आके बहुत थक गए थे यार। कनॉट प्लेस घूमना मतलब वही चल चल के इधर उधर। तो बस यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर का थोड़ा शॉपिंग किया है और मैकडोनल्ड में मस्त बर्गर फ्राइज खाया। और बंगला साहब के अलावा बंगला साहब भी गए और दो मंदिर के और दर्शन करके आए। तो बड़ा ही अच्छा रहा, आनंद रहा है। कनॉट प्लेस में दो मंदिर और हैं, बड़े नज़दीक ही हैं, तो उन दो मंदिरों के भी दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। शांति। तो यही है। और हम आप सबके लिए जो है वहाँ भर भर के प्रार्थनाएँ भी करके आए हैं, ठीक है। जिनको यकीन नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि आप लोगों की भी प्रार्थनाएं हमने वहाँ तक पहुँचा दी है, गुरुद्वारे तक और मंदिर तक, ठीक है। तो जी गणपति का मंदिर था मस्त। अच्छा तो जी अभी जो है रैंडम रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, रैंडम रीडिंग। और कल जो है हम कोशिश करेंगे लाइव आने की, अभी से बता देते हैं। 222 देखा हमने। कल जो है हम कोशिश करेंगे लाइव आने की दोपहर के 12 बजे, ठीक है। तो पेड रीडिंग्स रहेगी, तो जितने लोगों को अभी से बता देते हैं, जो लोग वीडियो देखेंगे, कल संडे है, 12 बजे लाइव प्रकट होंगे। तो जिनको मन करेगा आने का वो आ जाइएगा, पेड रहेगी रीडिंग, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। और हम रहेंगे करीब आधा एक घंटे तक रहेंगे। अगर आपको कुछ सवाल जवाब हो तो आप डायरेक्ट लाइव पर रीडिंग करके उससे पूछ सकते हैं, पेड रीडिंग। और दूसरी सूचना ये है कि टैरो क्लासेस का बैच चल रहा है, मतलब एनरोलमेंट अगर आप लोग कराना चाहते हैं, 1 तारीख तक जो लोग कराएंगे उनको फ्लैट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो प्राइस है वो आपको पता है, 999 कर दिया गया है 10 क्लासेस के लिए। तो देख लीजिए, जिनको जो लोगों को टैरो चूज़ करेगा वो लोग खुद ही खींचे चले आएँगे भाई, हमको ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं रीडिंग की और देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी है। उससे पहले हीलिंग दे देते हैं भाई, हीलिंग में ही हमको आधी चीज़ें पता चल जाएंगी। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 333 देखा हमने, अरे वाह वाह, अचानक से ही दिख रहा है। खैर तो हाँ, कल का पूरा दिन हम आए नहीं तो आप लोग परेशान हो गए। हमने हमेशा से बोला हमारा इंतज़ार मत किया कीजिए, लेकिन आप लोग करते हैं, कोई बात नहीं। गाँव का मुखिया लौट आया है तो पहले हीलिंग देने आया है गाँव का मुखिया, तो ले लीजिए। अरे इतना धीमा का है, क्या हो गया? Thank you.
भाई कौन है ये बैटमैन सुपरमैन जो एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें करने को कोशिश कर रहे हैं? इंसान है ना, इंसान है ना, तो पहले अपना भाई अपने पहले अपनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो वो करिए ना। इतना भागा दौड़ी क्यों, किस चीज़ का भागा दौड़ी लगा रखा है भाई? कुछ लोग बहुत मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, हमको कुछ दिक्कत नहीं दिखी है, लेकिन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में से लोग हैं, हमको ऐसा लगा जैसे एक साथ बहुत सारी चीज़ों में उलझे पड़े हैं, मतलब कुछ ऑब्वियसली कुछ करने के लिए ही हमको, मतलब एक्टिविटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिखाई दिए हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देने का, उसको हेक्टिक नहीं बनाने का, कहने का मतलब ये है। बाकी सब ठीक है, अगर आप कर सकते हैं मल्टीटास्किंग तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ एक टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल टास्क आप करिए, लेकिन हेल्थ को उसमें रख के नहीं, ठीक है। बाकी एक चीज़ हमको और दिखाई दी है कि देखिए पता नहीं दो दो बोट पे सवार, एक माइंड में डुअल कॉन्सेप्ट चल रहा है, डुअल दो चीज़ें एक साथ, दो राय पे, क्रॉस रोड्स पे वाकई में वापस से कुछ लोग खड़े हैं, और वहीं पर मतलब एक तरह से हमको वो चीज़ जो वो मल्टीटास्किंग के साथ ही वो इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बाकी आप लोगों को पता चले, पता पता समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन हमको इसमें लगा कि दो चीज़ों में परेशानी, दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में, टेक इट हाउट रेजोनेट्स। बाकी तो हीलिंग में कुछ खास हमको आप लोगों की एनर्जीज डाउन नहीं लगी है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भाई क्या है। अभी हम थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल झपड़ झपड़ कर रहे हैं, उसके बाद हम जब रेडी हो जाएंगे तब हम आपको बता देंगे कि हम रेडी हैं, और हम तब झपड़ 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 बहुत ज़ोरदार तरीके से करेंगे और कार्ड्स लेने के लिए तैयारी, ठीक है। अभी रुक जाइए, हम बताते हैं। ठीक है, अब हम रेडी हैं, अब हम कार्ड्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देख लेते हैं क्या आ रहा है, किसकी एनर्जीज है, क्या है। पहला कार्ड, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फूल, खूबसूरत, लवली 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 एनर्जीज, ऑसम। तो फूल का कार्ड पहला है, किसी चीज़ को लेकर रिस्क लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप की एनर्जीज हैं, बहुत होपफुल भी हैं आप लोग, ठीक है। एट ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दिया था हमको, अभी आना होगा फिर से आ जाएगा, मतलब एक तरह से रिस्क आपने उस चीज़ पे लेने का सोचा है, कुछ छोड़ने के बारे में आपने सोचा है बेसिकली मन में, और आपने सोचा है कि एक बार इस चीज़ को छोड़ कर ही देखते हैं, किसी चीज़ को आप यू आर लीविंग समथिंग, तो ऐसी एनर्जी से हमको लगा। बाकी हम देखते हैं एट ऑफ कप्स क्यों आया है, लेकिन आपने सोचा है कि अब इतने रिस्क लेने के बाद एक रिस्क ये भी लेकर देख लेते हैं क्या हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स हमको दूसरी बार दिखाए फ्लिप होने के बाद, ये रहा दूसरा मेजर अरकाना, जजमेंट। पाइसिस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया दूसरा प्राणी, किसी के वर्क प्लेस में कुछ हुआ है क्या, पता नहीं है हमको ऐसा क्यों लगा है, कोई बॉस, कोई TL, कोई QA, किसी के साथ कोई बहस हुई है क्या आपकी, आपके ऑफिस में, ऐसा पता नहीं हमें क्यों फील हुआ है। एनीवेज यहाँ पे एक प्राणी की एनर्जीज आई है, देखते हैं कौन है ये। पता नहीं किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, मतलब तो अच्छी खासी हीटेड आर्ग्यूमेंट फिर से, यार नॉट अगेन, यार नॉट अगेन, परेशान हो गया ना लोग, ऑब्वियसली आप लोग यही बोलेंगे अरे भाई नहीं किसी से लड़ाई करनी है हमें, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, खुद की टट्टी साफ करो। अरे यार सारे सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाँ लड़ाई तो होगी ही किसी के साथ, और ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई
टीएल ऑफिस का कोई बंदा हो सकता है, मतलब बंदा या बंदी जो भी है, और आपके प्राणी भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। देखिए, एक वर्क सिचुएशन की भी हमें यहाँ पे कुछ इंट्यूशन आ रही है, जिससे हमें ऐसा लग रहा है, पता नहीं, कि आपका ऑफिस का मामला भी हो सकता है। और जिस रिलेशनशिप में आप अगर हैं, नो कांटेक्ट, सेपरेशन जो भी है, ऑन एंड ऑफ, वहाँ पर भी किसी किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे, जो कि द सन। गुड, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली, पीसफुल रेजोल्यूशन आपको इस चीज़ का मिलेगा। अगर ये हीटेड कॉन्वर्जेशन है, लड़ाई हो रही है किसी से, जो भी हो रहा है, बहुत आराम से आप बिल्कुल साइड से एकदम निकल जाएंगे। मतलब कोई आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाला, ये अच्छी बात है। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट और एक क्वारल होने के आसार पूरे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये हुई ना बात, फाइनली आपने जो ये रिस्क है, आपने इस पर्सन को या इस पूरी सिचुएशन को छोड़ने का मन बनाया है। जजमेंट का कॉल है एक तरह से, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। बता दें, आपको याद दिला देते हैं कि ये यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, जो भी अभी हो रहा है। और अगर ये लड़ाई होगी भी, तो भी ये यूनिवर्स की पूरी मर्जी से हो रहा है। इसमें ये बिल्कुल एकदम कराया जा रहा है। टू ऑफ कप्स है यहाँ पे, वाकई में दो कटोरी फिर आ गई। किसी ने कल, भानु ने लिखा था, भानु ने लिखा था कल कि हम इन दोनों कटोरियों में खीर भरेंगे और लोगों को खिलाएंगे। भाई वाह, वॉट अ गुड इनिशिएटिव एंड वॉट अ गुड थाट, नाइस। तो टू ऑफ कप्स है, सोलमेट एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। भाई अब आपने मतलब ये सोच लिया है कि जो भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्या पार वाली स्थिति है, ठीक है। तो आए तो ठीक है, जाए तो भी ठीक है। तो ये बीच बीच में ऐसी एनर्जीज आती रहती है, आज पहली बार नहीं आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। आप लोगों को खुद से अब ये नहीं कोई बता सकता है कि आपको क्या, मतलब आप अब किसी के मोहताज नहीं है। पहली बार आपको इतना तो समझ में आ गया है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी की जिस चीज़ को आपको हमेशा से ज़रूरत थी, वो आपको भगवान जी ने खुद ही प्रदान की है, और उन्होंने आपको बता दिया है कि बेटा इस मार्ग पे चलो, ये तुम्हारा मार्ग है। एक तरह से ये मार्ग भगवान का बनाया हुआ मार्ग है, जिस पे आप अब चलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। नाइन ऑफ कप्स, ये कार्ड हमको थोड़ी देर पहले पूरा दिखा था, अभी दोबारा आया है। तो टू ऑफ कप्स के बाद नाइन ऑफ कप्स, आपकी कोई एक पर्टिकुलर विश है, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। और जैसे ही ये विश पूरी होगी आपकी, तो आप दुनिया भर में छा जाएंगे। पता नहीं हमें किस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं। ये एक जजमेंट का कॉल है, एक इनविजिबल तमाचा कुछ लोगों के थोबड़े में पड़ेगा, जोरदार करारा। आप लोगों की कुछ एक आप लोगों का एक कुछ एक सपना है, वो पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। नाइन ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया, सन के बाद नाइन ऑफ पेंटिकल्स के, मतलब जिस हिसाब से कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, द फूल, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद सन, तो ये आप लोगों की एक तरह से विश फुलफिलमेंट है, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ चीज़ बढ़ रही है। 20 दिन, अगले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगले 19-20 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 19 तारीख, 20 तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिब्रा है, पाइसीज है, और लियो एनर्जीज है। बड़े दिनों की बात किया ना, क्योंकि हमें बड़े दिनों के बाद ही खुशी हुई है, बीच में खुशी नहीं हो रही थी। रोज़ रोज़ मतलब वही, मतलब कुछ हो नहीं रहा था ना। अभी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जस्टिस मिल रहा है, तो हम लोगों को खुशी हो रही है, हमको मतलब खुशी हुई है आपकी तरफ से। तो भैया, आपके गांव के मुखिया को बड़ी खुशी हुई है। जजमेंट का कार्ड पहले आ चुका था, और यहाँ पर रिपीट हुआ है इस डेक से जस्टिस का कार्ड, जो कि देखने में बड़ा अच्छा है। भाई ये पूरा खुद ही जो है तराजू के ऊपर बैठा हुआ है।
बढ़िया है यार, कार्ड बहुत अच्छा है। मतलब नाइन ऑफ कप्स के नीचे जस्टिस है, छीलने की तैयारी। नहीं आप नहीं छीलेंगे ज़बरदस्ती, आप अपनी मर्जी से नहीं छीलेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है भाई, क्वीन बन रहे हैं आप लोग। नाइन ऑफ पेंटिकल्स सन, कितना खूबसूरत कार्ड है यार। ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए ज़रा, एक छोटा बच्चा भी है साथ में। टू ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जो आप भाई किसी पर्टिकुलर प्राणी की एनर्जीज आ रही हैं जो आपको लेने के लिए आएंगे। अपनी महारानी को, क्वीन ऑफ माहिष्मति की महारानी को लेने के लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को लेने के लिए कोई किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। जाहिर सी बात है, आप बताइए पेंटिकल्स की एनर्जीज में है और ये सोर्ड्स की एनर्जीज में। एक चीज़ हमको सबसे अच्छी लग रही है कि ये जजमेंट का कॉल है, कौन यहाँ पे जीतेगा इसका पता नहीं, कौन जीतेगा, लेकिन जीत न्याय की होगी। ठीक है, ऑब्वियसली हीटेड आर्ग्यूमेंट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में और किंग ऑफ सोर्ड्स में, जोरदार तकरार तो होगी ही, लेकिन जीत उसी की होगी जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, जिसके कर्माज बैलेंस होंगे जजमेंट और जस्टिस के तौर पे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, हाँ जी बिल्कुल, किसी का दिल यहाँ पे छीला जाएगा। ठीक है, दिल यहाँ पे डेफिनेटली किसी का छीला जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में, क्योंकि आप हैं, आपको नहीं छीला जाएगा। ये किंग ऑफ सोर्ड्स ही हैं जो मुंह की खाएंगे। ठीक है, वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस आपके फेवर में है और रीडिंग आप देख रहे हैं, तो ये रीडिंग तो आप ही की है ना, आप थोड़ी वो होंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी। देखिए हमको शुरुआत में पता लग गया था द फूल के कार्ड से कि कहीं की तैयारी पकड़ ली आपने, कहीं की तैयारी पकड़ी है आपने, हैं। तो हीलिंग पे भी कुछ कुछ हमको ऐसा लगा था, तभी हमने आपको बताया था कि दो दो सिचुएशन में मल्टीटास्किंग, एक एक टाइम पे एक ही चीज़ें करें, जल्दबाजी में चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेके करें, क्योंकि फेवरेबल समय तो है ही, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, भाई चीख चीख के कह रहा है सन का कार्ड कि द हैप्पीनेस यू हैव ऑलवेज वेटेड फॉर, ये जजमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। 19-20 दिन में, 19-20 तारीख को ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, मुबारक हो। दो दो तीन तीन कार्ड एक साथ नहीं लेंगे, मजबूत बनाया जा रहा है आपको, स्ट्रेंथ। खतरनाक कार्ड है भाई। जो हथियार इसने पकड़ा हुआ है, सोल्ड टाइप, ब्लड लगा हुआ है उस पर, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इनफैक्ट जस्टिस के कार्ड में भी हमको ब्लड दिखाई दिया था। ये जो सोर्ड इस प्राणी ने पकड़ा हुआ है जस्टिस में, लिब्रा एनर्जीज, लियो एनर्जीज, किसी की भी हो सकती है, साइंस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए खून खराबा नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट के आसार हैं और अच्छा खासा बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बवाल मतलब देखिए हाथ हाथ पैर नहीं चलने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लात घूंस से चलने के भी आसार हैं। यार थोड़ा तमीज़ से, यार थोड़ा तमीज़ से, यही हमारे जो ये गांव के भुक्त भोगी हैं आप लोगों को, यार लात घूंसे मारना शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो जवान से ही लड़िए यार, जवान से ही छीन दीजिए, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है यार, जवान से छीन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कर्मा इसको बैलेंस, आपके जब वाइट बॉल्स जब ऊपर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो आपने बताई वाइट बॉल्स ऊपर किया, उसमें फिर से आप अपने जो है किसी को छील छाल कर आ जाएंगे, तो यार कर्मा खराब नहीं हो जाएंगे आपके। अरे अवॉइड कीजिए यार, ऐसे लोगों से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, जवाब ही नहीं देना, रिप्लाई मत करो, कोई रिस्पॉन्स मत दो, डोंट रिस्पॉन्ड। ठीक है, अवॉइड करने का, जब आपको पता है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये होना ज़रूरी है पहली बात, वो इसलिए क्योंकि ज़ीरो पे हैं आप लोग, फूल का कार्ड आया है और ये आपकी न्यू बिगिनिंग का टाइम है। मतलब न्यू बिगिनिंग मतलब बहुत टाइम आपने वेट कर लिया है, पेशेंस, क्योंकि देखिए जितने लोग देखते हैं तो कुछ कुछ लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है ना, सबकी लाइफ में तो अभी भी नहीं आया, तो जिनकी लाइफ में नहीं आया है हम उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ज़ीरो पे हैं आप, तो ज़ीरो से आप हीरो बनेंगे अभी,
तो जाहिर सी बात है प्रोग्रेस होगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रोग्रेस के लिए हम शॉर्टकट अपनाएं या किसी को भी छील छाल के निकल जाएं। अनएक्सपेक्टेड है, पहले बता रहे हैं। दो दो कार्ड हमें दिखाई देगा तो लेंगे। हैंग्ड मैन पाइसीज है, ठीक है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो आ रहा है ना आपसे बात करने के लिए, पहले बता देते हैं ये आपको लटकाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे हैंग्ड मैन है, ये कोई आपको आउटकम नहीं मिलेगा इससे। हाँ, तो आप वापस से आप क्रॉस रोड्स में फंसेंगे, इसलिए आप शायद मूव ऑन हो रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड हमें पहले शुरुआत में दिखाई दिया था, और ये है टावर। 16 तारीख, 16 भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो डेट आप मार्क कर लीजिए, आने वाले अक्टूबर के कुछ डेट्स स्पेसिफिकली आए हैं। 8, 11, 12, 16, 19 एंड 20, ठीक है, अक्टूबर। बाकी आप लोग समझदार हैं भाई, हमारे गांव के लोग इतने झगड़ालू किस्म के तो हैं नहीं, है ही नहीं। इतने क्या, हमारे हमारे गांव वाले झगड़ालू नहीं हैं। ये रहा शुरुआत का कार्ड, फूल आया था, और ये आया है आखिरी कार्ड जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पास जो है एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इस अपॉर्चुनिटी के आते ही ये किंग ऑफ सोर्ड्स के थोबड़े पे करारा तमाचा होगा, क्योंकि ये फूल के ठीक नीचे आया है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, पता नहीं जो हम बोल रहे हैं वो हमको बहुत फील हो रहा है वैसा करके। सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में। अरे यार, कप्स तो बहुत सारे हैं, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, भरी भरी खीर बनी है और घीर भरी है और बाटी है, और जिन लोगों को डिनर सेट बनाना है वो भी बना सकते हैं। फूल का कार्ड शुरू हुआ है रीडिंग पे, ख़त्म हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स पे, बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ कप्स। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जाहिर सी बात है ये अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से शायद आप लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको सब कुछ चाहिए एक ही बार में, जो कि गलत है, क्योंकि लालच बुरी बला है, ये आपको भी पता है। और हमारे गांव के सारे जो लोग हैं वो हमें पता है कि वो हमेशा से जजमेंट का इंतज़ार करते रहे हैं, जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो कायदे से मिल रहा है तो उसको कायदे से हासिल करने का, ठीक है, उसको जो है लीगल वे में, और मतलब एक जायज़ तरीके से हासिल करने का, ठीक है, किसी नाजायज़ उसमें मत पड़िए, फंसने फंसाने की एनर्जी इसमें मत पड़िए, ठीक है। शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आ रही है तो उसको धीरे 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 उस पर काम करके, उस पर अमल करके आप उस चीज़ को अपने लाइफ में पा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आउटर इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत सारे लोगों के साथ भी आपके होने के आसार हैं। सिर्फ एक किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ नहीं हो सकता है, हो सकता है कि कुछ और लोग भी आपके साथ कंपटीशन में हो और आपसे लड़ाई झगड़े करने को तैयारी कर रहे हों। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है यार, हमको समझ नहीं आया कि ये लड़ाई झगड़ा होना क्यों है। मतलब जजमेंट और जस्टिस के तौर पर लड़ाई का है। हम एक और कार्ड लेते हैं, ठीक है। ये रहा वो वाला डेक, क्या बोलते हैं इसको, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये वो राइडर बैठा, ठीक है। इसमें से एक कार्ड लेते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा हमको हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है, तो इस किंग ऑफ सोर्ड्स को चाहिए क्या? जलन तो है, हमको लगता है कि आपकी कामयाबी से। अच्छा, थ्री ऑफ वंड्स है, शायद आपका कोई एक पर्टिकुलर सपना जो आप हमेशा से सोचते थे, आप हमेशा से चाहते थे, जिसका इंतज़ार आपने बरसों से किया है और इसने भी किया है, तो सबसे पहले वो सपना आपका पूरा हो रहा है। अरे ये तो बहुत हिंगसुटे इंसान है, हिंगसुटे बोले तो बहुत जलते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक मूवी का एग्जांपल आ रहा है बहुत माइंड में, अभिमान मूवी अगर आपने देखी हो, अमिताभ बच्चन की और जया बच्चन की, तो उसमें दोनों सिंगर होते हैं, ठीक है, कामयाबी दोनों को ही चाहिए होती है, लेकिन लाइमलाइट स्पॉटलाइट पे जया बच्चन आ जाती है, जिससे जो है अमिताभ बच्चन को जलन होती है। अमिताभ बच्चन बहुत पहुँचे हुए सिंगर होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री में जया बच्चन आती हैं तो जया बच्चन छा जाती हैं, और अमिताभ बच्चन जी को बड़ी जो है जलन होती है उस मूवी में, ठीक है। उनको इनसिक्योरिटी होती है कि ये हमसे आगे निकल गया, तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो एक आपका कोई ड्रीम रह सकता है, हो सकता है इस पर्सन का भी कोई ड्रीम रहा हो किंग ऑफ सोर्ड्स का, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने वो ड्रीम अचीव कर लिया है,
और जो है किंग ऑफ सोर्ड्स को उस चीज़ से बड़ी जलन होने वाली है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिससे कुछ लोगों के थोबड़े पे करारा तमाचा होगा, एक मतलब इनविजिबल तमाचा जिसको बोलते हैं जस्टिस और जजमेंट के तौर पे, जो उनका जो है पूरा छिल जाएंगे, वो सिर्फ थोबड़ा ही नहीं छिलेगा, वो पूरा अंदर से छिल जाएंगे, जल भून जाएंगे एकदम। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट एक साथ आया है, और वो भी एक नहीं भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस का भंडार होने वाला है। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक है, और उस चीज़ से ना सिर्फ ये भंडार आप देखेंगे कि भाई यहाँ से भी ऑफ़र, वहाँ से भी ऑफ़र, यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी, वहाँ से भी अपॉर्चुनिटी, बल्कि वो चीज़ आपको बहुत ग्रो करने में, आपके प्रोग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ का, एक फेज़, ये वाला भी एक फेज़ होगा आपकी लाइफ में जो काउंट होगा आने वाले फ्यूचर में। तो लोग ऑब्वियसली, एक ईरा होता है हर किसी का भाई, पहले एक टाइम पे भाई 90s में जैसे होता ना भाई, सिंगर्स का ही मान के चलिए, चलिए लता जी का एक ईरा आया, उसके बाद फिर अलका याग्निक जी का आया, फिर श्रेया घोषाल जी का आया, अभी जो नए हैं तो उनका ईरा चल रहा है। तो एक एक करके सबका ईरा आता है ना, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं। तो आपका भी एक फेज़ ये बनने वाला है जिसमें आप बहुत ग्रो करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक। ऑब्वियसली देखिए, हर समय तो ऐसा रहता नहीं है ना, तो कितना ही स्ट्रगल इंसान करेगा। तो आपकी लाइफ में आप लोगों ने बहुत पेशेंसली इस चीज़ का वेट किया है, फाइनली आपको वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में भर भर के आने वाला है, ठीक है। और ये 3 wands से 4 wands तक जाने का आपका खुद का एक जर्नी होगा जो लोग देखेंगे। समझ गए अब हम क्या कह रहे हैं? फ्लो में हमको एंजल्स ने बुलवा तो लिया जो बुलवाना था, लेकिन हम भूल गए हम क्या कह रहे थे। लेकिन हाँ, हमको लगता है कि बहुत जल्दी इस 3 wands से आप लोग 4 wands की एनर्जीज में पहुँचेंगे। और इसी चीज़ की वजह से जो है आप, क्योंकि पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ लोगों को देखने को मिलेगी। ज़रूरी नहीं है यार, हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हनी सिंह या अरिजीत सिंह बने, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लोगों के देखने का नज़रिया होता है ना, वो बदल जाएगा। लोग आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि यार पहले क्या थी ये, और पहले क्या था ये, और अभी देखो इसको। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लोबल या एक स्टेट लेवल पे या आपके नेशनल लेवल पे ही पॉपुलर हो जाना इज़ नॉट वो। अरे भाई, आपके कर्मों से भी आपकी पहचान होती है। तो आप अपने कम्युनिटी में ही, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में भी अगर आप कुछ अच्छा करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसका एक होता है, एक वेट होता है उसका भार। तो आप वो वेटेज जो है ना, वो क्रिएट करने वाले हैं। तो मतलब आपकी चर्चाएं होंगी कि यार उसको देखा है, पहले क्या था अभी देखो। तो जाहिर सी बात है हमको आपकी एनर्जी, आप अगर फेमिनिन है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को लगाइएगा, अगर आप किंग मतलब मेल हैं तो अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज पे लगाइएगा, और फीमेल को जिससे आपका झड़प होने वाला है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होगी। तो कहने का मतलब है, जो भी आप देख रहे हैं अपने आप को उसी जेंडर के अकॉर्डिंग मान लीजिएगा कि लड़ाई जिससे भी आपकी होने वाली है, जीत उसमें आपकी है, ठीक है। चाहे आप लड़ें या ना लड़ें, या बिना किसी लड़ाई के अगर आप सिचुएशन से मूव भी कर जाते हैं, तो भी यहाँ पे जीत आपकी है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के जो है बहुत ज़ोरदार करारा भगवान की तरफ से जड़ा जाने वाला, अच्छा खासा डोज पड़ने वाला है। और यही होता है कर्मा, पता है यही होता है कर्मा, कि यार जिसने आपको धोखा दिया या जिसने आपके साथ गलत किया, उसको ये देखने को मिले कि यार आज उसको देखो कितना कामयाब, मेरा इंतकाम देखेगी। वो गाना है ना शादी में ज़रूर आना का, तो वैसी वाली एनर्जीज हैं। आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं, और उसके लिए आप रिस्क लेने को भी इस समय तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है। आप बस अपनी जर्नी पे निकल पड़े हैं, एक तरह से हमें दिखाई दे रहा है, और आप अपनी जर्नी को एंजॉय भी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और जजमेंट के तौर पे ये जर्नी अभी लिखी थी, दिस वॉज फेटेड एंड डिस्टाइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 3 wands तभी आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप किसी का दिल, मतलब अपनी मर्जी से नहीं भाई, हमको नहीं लगता है कि हमारे कोई भी कर्मा बिलीवर्स अपनी मर्जी से इंटेंशनली किसी का दिल छीलेंगे, ठीक है। और ये रहा बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे इससे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स था, हमने दिखाया था आपको, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं 2 of cups के नीचे। तो आपके कोई डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं जो बिल्कुल सेम पेज पे भी नहीं है, उन्हीं से हो सकता है आपकी कोई अच्छी खासी झड़प होने वाली हो।
रीयूनियन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑप्शंस आप लोगों के पास बहुत होने वाले हैं, ऑप्शंस मतलब चूज़ करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पर्सन को चूज़ करें, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ से मूव ऑन कर जाएं, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो क्रिएट। ठीक है, ऑब्वियसली सोलमेट एनर्जीज में जो रहता है वो डिफ़िकल्ट होता है, आना जाना लगा रहता है, वापस आना लौटना जाना। ठीक है, नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, इंसान बड़ी जल्दी पता है मूव ऑन भी हो जाता है, भूल भी जाता है। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, आना जाना ऑन एंड ऑफ वगैरह ये सब चीज़ें लगी रहती है, और इंसान जब तक अपने लाइफ लेसन्स नहीं लेता है ना, ठीक से सीखता नहीं है, तब तक वो चीज़ें चलती रहती है। तो ऑब्वियसली हम आपको यही बोलेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमको वो सारी चीज़ें मिले जो हम हमेशा से चाहते हों, हमको वही मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं, पता है, जिसको हम डिज़र्व करते हैं, भगवान हमको देता वही है, और वो भी अपने टाइमिंग पे देते हैं जब हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो समेटने के बाद जो है वो कार्ड आया है यहाँ पे जस्टिस, और यहाँ पर लास्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। तो ऑप्शंस आप लोगों को लाइफ में अभी ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद अबंडेंस के तौर काफ़ी कुछ आपकी तरफ आ रहा है आने वाले टाइम पे। गुड लक हो गया, अबंडेंस हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, न्यू जॉब, एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी हमेशा से आप जिस चीज़ का आप चाहते हैं, एक ड्रीम कम ट्रू आपका हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय लग सकता है अभी से, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डेट्स हमने आपको बताई है वो ज़रूर याद रखिएगा। थ्री ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक इसमें, ठीक है, और उसमें सेवन ऑफ कप्स हमने दिखाया था। तो वाटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं ठीक है, तो यही है आपकी रीडिंग। ठीक है, जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी रीडिंग को थोपने की या लागू करने की आवश्यकता तो देखिए है नहीं। ठीक है, हम आपको अलाउ तो करते नहीं है कि आपने अपने ऊपर अभी इसी मतलब इसी रीडिंग को अपने ऊपर थोप लेना है, लागू कर लेना है, ऐसा तो कभी हमने आपको बोला नहीं है। तो जितना रेजोनेट होता उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं लागू करनी है। ओके, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद बरमर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा। और टैरो क्लासेस से रिलेटेड जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए भी आप हमें हमारे मेल पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और जी आई हुई है, पता नहीं रीडिंग हम कल कर पाएंगे कि नहीं, कल तो खैर हम रीडिंग का नहीं बताया, हमने आपको बताया है 12 बजे, हो सकता है कल हम 12 बजे लाइव आएँ दोपहर के। ठीक है, अगर देख लीजिएगा, अगर 12:15 तक हम आ गए तो आ जाएंगे, आपको पता चली जाएगा, अगर नहीं आए तो समझ लीजिएगा कि हम बिज़ी हैं और नहीं आ पाए, क्योंकि अरे वो होते हैं ना छोटे बच्चे घर पे आ जाते हैं, वो भांजी आई हुई है तो वो थोड़ा सा वो पूरा टाइम उसको भी टाइम चाहिए होता है, बोर होती रहती है, कहते मासी आप पता नहीं इसी में बिज़ी रहते हो, टाइम ही नहीं होता आपके पास। आज जैसे हमने कपड़े धोए, मशीन लगाया है, बारिश का कभी भी बारिश आ जाती है दिल्ली में, कुछ पता नहीं है, शुक्र है सब कुछ सूख भी गए हैं, सब कुछ हम उठा लाए हैं, छत पे से उठा भी लाए और अच्छी तरीके से उनको समेट भी दिया है, सब कुछ अपना सब काम निपटा के ही बैठे हैं। तो अभी शाम को शायद हमको लूडो खेलने के लिए भी बोल रही थी, तो शायद हम अभी लूडो खेलने के लिए बैठेंगे उसके साथ, कह रही थी लूडो खेलोगे, तो वही है, लेकिन कुछ रीडिंग्स हमको डिलीवर करनी है तो पहले हम वो सारा काम निपटाएंगे। अभी तो खैर वो सो गई है खाना खा के, तो कुछ रीडिंग्स हैं, देखते हैं शाम तक शायद हम डिलीवर करें रीडिंग्स। ठीक है, तो अभी के लिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और जिस दिन रीडिंग नहीं आती है तो परेशान मत हुआ कीजिए, समझ जाया कीजिए कि ज़रूर बिज़ी होंगे, नहीं तो हमको कोई शौक नहीं है भाई अपने 80 रुपये ख़राब करने का, हैं, बड़ा बड़ा वो लगता है। हम बार सुबह से पता नहीं 6 बार या 7 बार हम जिया को बोल चुके हैं कि यार हमारी एक भी पैसा नहीं आया कल, यूट्यूब से देख ले तेरी वजह से, कनॉट प्लेस गई थी तो, खैर बंगला साहब घूम के आया हमने, बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, कड़ा प्रसाद भी खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता है, शांति। देखिए ये सब जगहों पे जाते हैं तो इंसान को सुकून ही मिलता है, और फिर गणपति के मंदिर गए, दर्शन किए, तो अच्छा लगा। तो खैर यही है, तो हम चलते हैं, और हाँ अभी के लिए बस इतना ही, बाय।